जय सियाराम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। और आप लोगों ने अभी तक इसके लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उस पार्ट को भी जरूर देख लेना। वो पार्ट आपको इस वीडियो के इस वीडियो के एंड स्क्रीन में इसका लास्ट दो पार्ट आपको देखने को मिलेगी। और उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी उसके लास्ट दो पार्ट आपको देखने को, तो इसी तरह हर एक पार्ट को आप देख सकते हैं इसका, जो जितना भी मैंने पार्ट बनाए हैं। तब ऐसा 6 पार्ट मैं बना चुका हूँ इसको लेकर, तो उन सभी पार्ट को ज़रूर देख लेना। आप भी काफ़ी आसानी से जो है ड्रॉ कर पाओगे। काफ़ी डिटेल मेरे से जितना हो सके अच्छे से आप लोगों को समझा के ड्रॉ करने की कोशिश किया है। तो देखते रहिएगा लास्ट तक, और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आप लोग तो ज़्यादा टाइम नहीं देखते हो, ये जो मैं 7-8 मिनट का जो वीडियो बनाता हूँ उसमें जो है 1 मिनट भी अच्छे तरह से जो है वॉच टाइम नहीं आता है। तो थोड़ा सा आप भी देखना है वीडियो, अगर देख क्लिक करते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो। और बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट में बताओ किस जगह पर मेरा जो है कमी रह गया, वो पता बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि कहां पर मेरा मिस्टेक है और कहां मुझे इम्प्रूव करना है कहां नहीं। आप लोग तो बताते भी नहीं हो और मुझे पता भी नहीं चलता है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करो। और कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं ज़रूर उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर रहा हूँ, लेयर बाय लेयर, उस हिसाब से ही आपको जो है ड्रॉ करना है। और जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो जो भी मैं मटेरियल्स यूज़ करता हूँ वो मैं तो स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। आप लोग वीडियो को देखोगे तो लास्ट तक देखते रहोगे तो वीडियो के बीच में ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैं कौन सा पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और साथ ही कौन सा पेपर यूज़ कर रहा हूँ, किस मीडियम का पेपर, सब कुछ मैं बता देता हूँ। और ये सब वीडियो को इसलिए लास्ट तक देखा करो, और जो देखता है वो उनका ये सब सवाल नहीं होता है कि कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हो, कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो। तो जिन का ये सवाल है तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो। तो पेपर है आइवरी सीट का 210 GSM वाला पेपर, और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था। और इसका परचेस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट होके जो है इसे परचेस कर सकते हो। और जो है कलर है डोम्स कलर पेंसिल, इसे मैंने ख़रीदा है 2-1.5 साल पहले, अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, लगभग 1-1.5 साल पहले। तो और इसका प्राइस था तब तो 100 रुपीज़, अब पता नहीं चला, अब तो मुझे पता नहीं कितना हुआ है। अभी नया इसे ख़त्म इसका जो है ये पेंसिल ख़त्म होने के बाद ख़रीदने जाऊंगा तब बता पाऊंगा। बाकी इसके आसपास ही होगा, काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, बिगिनर मिडिल क्लास फैमिली उससे नीचे फैमिली ख़रीद सकते हैं आसानी से। ज़रूरी नहीं कि आपको यही पेपर चाहिए, इसका भी इससे भी सस्ता पेपर है। और ये पेपर इतना महंगा भी नहीं है, 200 से 250 रुपये के अंदर आपको लगभग 25 सीट मिल जाएगी। और A3 साइज़ में भी है, मेरे पास A3 साइज़ भी है और A4 साइज़ भी है, मैंने A4 साइज़ भी ख़रीद रखा है। तो ये जो पेपर A4 साइज़ का जो मैंने आइवरी सीट का पेपर ख़रीदा था वो अभी ख़त्म होने वाला है, तो ये ख़त्म होने के बाद मैं A3 साइज़ में जो मैंने पेपर ख़रीदा था इस सेम आइवरी सीट का ही, तो वो उसमें ड्रॉ करूँगा। और उसमें जो है A3 साइज़ में क्या ड्रॉ करूँ इसके बाद, ये तो फाइनल पार्ट है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या ड्रॉ करूँ, किस टॉपिक के ऊपर, कोई ट्यूटोरियल चाहिए, कोई शेडिंग ब्लेंडिंग के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए, आइस ट्यूटोरियल, नॉइस ट्यूटोरियल, लिप्स ट्यूटोरियल, कोई भी ऐसा ट्यूटोरियल जो आपको जिसमें आपको दिक्कत है आप सीखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। मेरे से जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा वीडियो में दिखा कर आप लोगों को समझाने की, तो ज़रूर बताना। और कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बता ही देना। और चैनल के साथ जुड़े रहना, मैं अपने चैनल में तो ट्यूटोरियल ही वीडियो अपलोड करता हूँ, और हमारे चैनल में आगे वैसे आर्ट कॉम्पिटिशन भी चलती रहती है, जो ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ना। और इंस्टाग्राम भी है मेरे पास, यहाँ पे ऊपर आपको स्क्रीन में जो है पॉपअप कर रही है, फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों आईडी सेम नेम ही है, तो वहाँ पर जाके भी फॉलो कर लेना अगर हो सके तो, उसमें भी मैं अपडेट देते रहता हूँ, और ज़रूर फॉलो करना। तो यहाँ पे जो है जिस तरह से लेयर बाय लेयर कर रहा हूँ तो आपको रेफरेंस पर में देखना है। और डिटेलिंग मैंने यहाँ पे इस आर्टो को जो ड्रॉ करने के लिए मुझे लगभग इस आर्टो को नहीं यहाँ आज जितना बार आपको देखने को मिलेगी वो पार्ट लगभग 2 से 2.5 से 3 घंटा लग गया है, काफ़ी डिटेलिंग करना पड़ा, और हो सकता था मेरे से जितना हो सका मैंने कर लिया। एक एक जो ये जो अभी मैं बना रहा हूँ इसको लगभग 2 घंटे लगा,
लगभग कम से कम तो 2 घंटे तो लग ही गया होगा अगर कुल हिसाब करें तो। और इतने में इसमें मैंने लगभग जो है पहले लेयर पे येलो कलर, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद जो है मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ और डार्क करने के लिए। इसके बाद ग्रेफाइट पेंसिल भी यूज़ करूँगा 8B या फिर 10B। उसके बाद जो है इसे और हाईलाइट करने के लिए वाटर कलर भी यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं जो है इस स्केच को मैंने जो ड्रॉ किया है, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसको मैंने जो है तीन अलग अलग मीडियम के कलर से ड्रॉ किया है। पहले तो है डोम्स कलर पेंसिल और दूसरा है ऑयल पेस्टल कलर भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और लास्ट में जो है वाटर कलर भी यूज़ किया है हाईलाइट करने के लिए। इसमें आप जो है अगर आपके पास वाइट जेल पेन है तो उससे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट है, जहाँ पर हाईलाइट करना होगा उस जगह पर आप हाईलाइट कर पाएंगे। और अगर आपके पास वाटर कलर है तो ज़रूरत नहीं वाइट जेल पेन खरीदने की, उससे भी आप कर सकते हैं। मेरे पास पहले था, अभी तक ख़त्म हो चुका है, तो अभी मैं जो है वाटर कलर से ही हाईलाइट करता हूँ जहाँ जहाँ पर मुझे हाईलाइट करना होता है। और कोई अगर कोई लाइव आना हो तो मुझे बताना। मैं लाइव इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट काफ़ी स्लो है, गांव के एरिया में हम रहते हैं तो यहाँ पे इंटरनेट पहुँच नहीं पाती है अच्छे से, कुछ ठीक ठाक किसी तरह जो है चल जाती है और इसलिए मैं लाइव नहीं आ सकता। लाइव आकर मैं जो है कुछ शेडिंग ब्लेंडिंग इसका ट्यूटोरियल भी और कोई, और हमारे चैनल में एक गिवअवे चल रही है, उस गिवअवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। अगर आप जो इस वीडियो को अगर 1 महीने के अंदर आप वीडियो को देख रहे हो, 1 महीने से ज़्यादा अगर हो गया उसके बाद देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो या फिर 2-3 महीने बाद देख रहे हो, शायद तब तक जो है गिवअवे का टाइम जो है ख़त्म हो चुका होगा। मैंने गिवअवे का जो रखा था रूल्स तो वो है 110 लाइक्स और या फिर हमारे चैनल में 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद गिवअवे रिजल्ट लाइव जो है आप लोगों के सामने डिक्लेयर करूँगा। तो अगर नहीं हुआ है तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना। अगर आप चैनल में देख रहे हो तो चैनल में देख लो, अगर 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमारे चैनल में विजिट करो वीडियो सेक्शन में, और वहाँ पे मैंने तो रेगुलर जो है एक आध वीडियो अपलोड करते ही रहता हूँ, तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना होगा, लगभग 60-70 वीडियो लगभग हो जाएगा। तो आप देखोगे तो वहाँ पे गिवअवे वीडियो होगा, उसमें जाके आप एक कमेंट करना है होगा, सिर्फ एक ही कमेंट करना है और उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, बस इतना करना है। उसके बाद जो गिवअवे का रिजल्ट वो मैं जो रूल्स मैंने रखा था वो कम्प्लीट होने के बाद जो डिक्लेयर कर दूँगा। तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना, उसमें मैंने प्राइज़ जो भी रखा है वो उस वीडियो में आप देखोगे तो पता चल जाएगा। पेपर ही रखा है आप लोगों के लिए, खासकर A3 साइज़ का 20 सीट्स हैं, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना, बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा वो पेपर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो सब कुछ करने के बाद हाईलाइट करने के लिए जो वाटर कलर है उससे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ कुछ जगह पर, जहाँ पे जो भी कलर है उस जगह पर उसी कलर से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ कुछ जगह पर ज़्यादा व्हाइट देख रहे हैं तो वहाँ पे मैं येलो, जो लाइट येलो है उससे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं जो है जो मक्खन है तो वो नीचे गिरा हुआ है, तो उससे मैं जो है ब्लू कलर उसको इस तरह से करना होगा, इस तरह कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे कोई एक कलर यूज़ कर लो, उसके बाद डायरेक्ट जो है ब्लैक कर सकते हो जहाँ पे मैं अभी कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आप वाटर कलर से जिस तरह से जो फ्लावर थोड़ा बहुत दिख रहा है, फ्लावर घास उसको ड्रॉ कर सकते हो, मैं इसी तरह से करूँगा। पहले तो मैंने जो है यहाँ पे पहले आउटलाइन बना लिया था जो भी फ्लावर्स है, उसके बाद उसके ऊपर मैंने कुछ कलर अप्लाई किया था, पर मैंने सोचा कि डायरेक्ट अगर ब्लैक कर दूं उसके बाद लास्ट में अगर मैं वाटर कलर से ही कलरिंग करूं तो ही ज़्यादा टाइम भी बचेगा और हमारा आर्ट जो है फ्लावर्स भी अच्छे से दिखेंगे हाईलाइट, तो वही करूंगा। इसके बाद जहां पर मक्खन गिरा है उस एरिया को छोड़ के बाकी सब एरिया में जो है मैंने शेडिंग करके 8B या फिर 6B पेंसिल से, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ अब वाटर कलर से यहाँ पे जहाँ जहाँ भी फ्लावर दिख रहा हो उसको मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ वाटर कलर से। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि जैसा जैसा कलर है उसी हिसाब से कर रहा हूँ, मैं पहले यहाँ पे वाइट कलर की तरह स्टार की तरह बना रहा हूँ फ्लावर्स को, उसके बाद उसके ऊपर मैं रेड कलर जो जो भी मुझे अच्छा लगे उस हिसाब से कर दूँगा। यहाँ पे ग्रीन कलर से जो घास है उनको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ड्रॉ करने के बाद मैं फिर से व्हाइट कलर अप्लाई करके जो मक्खन है इस तरह से देखना होगा आपको कहाँ पे हाईलाइटेड है उसी हिसाब से आप हाईलाइट करना है, और उसके बाद फ्लावर के बीच बीच में जो है इस तरह से कलर कर सकते हो। तो यह है फाइनल पार्ट, यह तो ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम आप सभी को।